नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं स्वैन टुडे। आज भारतीय राजनीति में काफ़ी अहम दिन है क्योंकि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव पिछले 15-20 दिनों में हुए हैं, आज उनके परिणाम आने वाले हैं, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है, जिनमें जो सबसे मुख्य रूप से जिसके ऊपर पूरी भारतीय राजनीति की निगाहें वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्योंकि इन तीन राज्यों से लोकसभा की 65 सीटें आती हैं और इन तीन राज्यों में अगर बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी की अगले साल प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी बहुत पुख्ता हो जाएगी। वहीं अगर कांग्रेस इन तीनों राज्यों को हारती है तो राहुल गांधी, जो पहले ही महागठबंधन की चुनौती का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का दुर्विरोधी नेता बनने का जो सपना है वो शायद कहीं ना कहीं चूर हो सकता है। इसलिए ये जो 5 राज्य हैं वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन दोनों के लिहाज से बहुत अहम हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सुबह सुबह माना जाता है कि बैलेट मत जो है उनकी गिनती की जाती है और शुरुआती 15 से 20 मिनट में आपको रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 8:30 बजे तक आपको एक्चुअल जो रुझान है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।